दो दर्जन बेरोजगारों को विविध राष्ट्रीयकृत बैंकों में नौकरी लगा देने का झांसा देकर आरोपी ने लाखों रुपए ठग लिए। प्रकरण उजागर होने पर सोमवार को आरोपी के खिलाफ सदर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी कोराड़ी नाका निवासी सचिन सुरेश आठवले है। पीड़ित बेरोजगार तनवीर खान समेत दर्जन भर बेरोजगार युवक है। सचिन का सदर स्थित मंगलवारी कॉम्प्लेक्स में ग्लोबल और टेक्नोलॉजी सर्विसेज नाम से जॉब प्लेसमेंट का ऑफिस है। उसने कई बेरोजगारों को विविध राष्ट्रीयकृत बैंकों में नौकरी लगा देने का झांसा दिया। 12 अगस्त 2020 से 14 अप्रैल 2021 के बीच पीड़ितों ने आरोपी के कहने पर उसके बैंक खाते में लाखों रुपए जमा किए। इसके बाद आरोपी ने उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र थमाया है। पीड़ित जब संबंधित बैंकों में नौकरी ज्वाइन करने पहुंची, तब नियुक्ति पत्र फर्जी होने का खुलासा हुआ। पीड़ितों ने आरोपी से अपनी रकम वापस मांगने पर वह टाल मटोल करने लगा। आखिरकार लगभग दर्जन भर पीड़ितों ने इसकी सदर थाने में शिकायत दर्ज की। जांच पड़ताल में पुष्टि के बाद सचिन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया। अभी तक पीड़ितों से लगभग 11 लाख रुपए लेने का खुलासा हुआ है। ठगी की रकम और पीड़ितों की संख्या बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वही आगे की जांच जारी है। आरोपी है सचिन सुरेश आठवले, याचे मंगलवारी कॉम्प्लेक्स सदर येथे ग्लोबल अर्थ टेक्नोलॉजी सर्व्हिसेसच्या नावाने ऑफिस आहे आणि त्याच्या ऑफिसमधून तो कॅन्डिडेट लोकांना नोकरी लावून देतो अशा प्रकारचे तो बतावणी करत होता। त्यामुळे फिर्यादी तन्वीर खान साहेब खान हा त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला 2020 ला, आणि त्यावेळेस दोघांची मैत्री झाल्याने आरोपीने फिर्यादी सांगितलं की त्याच्याकडे काही नोकऱ्या उपलब्ध आहे आणि त्याला काही कॅन्डिडेटची आवश्यकता आहे। तन्वीर खान साहेब खानकडे काही कॅन्डिडेट्स उपलब्ध असल्यामुळे त्यांनी 10 ते 12 कॅन्डिडेट्स यांची ओळखी आरोपीसोबत करून दिलेली होती आणि आरोपीने त्यांना माहिती दिली की त्याचे ब्ल्यू लाईन सोल्युशन्स तथा इझी ॲक्सेस सर्व्हिसेस ही कोलकात्याची कंपनी असून त्याच्या कंपनीसोबत हे टाईप आहे आणि तिथून काही त्यांना नोकरीच्या जागा बँकिंगच्या साठी निघालेल्या आहेत। त्या अनुषंगाने आरोपीने प्रत्येक कॅन्डिडेटकडून असे टोटल 12 कॅन्डिडेटकडून त्यांनी 8,50,000 रुपये बँकेमध्ये आणि 2,50,000 रुपये कॅशमध्ये असे टोटल 11 लाख रुपये त्यांच्याकडून घेतले। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, BCN न्यूज नागपूर।